नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो दोस्तों, आज भी आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले क्रिकेट के आईपीएल के फैन हो, सबसे पहले सब्सक्राइब याद से करके रख लीजिए। शुरुआत करते सबसे पहले यहाँ पे टीम इंडिया के सुपर एट के शेड्यूल के साथ में। जी हाँ भाई, टीम इंडिया का जो सुपर एट का शेड्यूल है, हम सभी के सामने आ चुका है कि आखिरकार टीम इंडिया सुपर एट में किस किस टीम से भिड़ेगी। सबसे पहले जो है टीम इंडिया भिड़ने वाली अफगानिस्तान के साथ में 20 जून को सुपर एट के मुकाबले में। उसके बाद टीम इंडिया का अगला मुकाबला होने वाला है बांग्लादेश के साथ में, जो कि 22 जून को होने वाला है। और उसके बाद टीम इंडिया का सबसे बड़ा मुकाबला वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जो कि 24 जून को होगा। तो ये दोस्तों होने वाला है टीम इंडिया का सुपर एट का कंप्लीट शेड्यूल। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं सुमन गिल और आवेश खान की। दोनों प्लेयर फिलहाल रिजर्व प्लेयर की लिस्ट में थे, लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ कि जो बीसीसीआई है वो गिल और आवेश खान दोनों प्लेयर को जो है स्क्वाड से रिलीज कर देगी और आप जाके इंडिया में रहो, अब आप यहाँ रिजर्व में नहीं हो, तो उनको पूरी आज़ादी मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ, उसके बाद देखिए, अगर आप सभी को ऐसे ही क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए, उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या? हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखना है। ज्वाइन कैसे करोगे? मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया है, क्लिक करो भाई, ज्वाइन करो, एकदम फ्री है। या फिर आप लोग आप टेलीग्राम के ऐप पर जाओ, ऊपर सर्च कर लीजिए क्रिकेट विद पवन और उसको याद से ज्वाइन करके रख लीजिए। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे फिलहाल मयंक यादव की। मयंक यादव जो आईपीएल में अपनी छाप छोड़े थे वो इंजर्ड हो गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है कि मयंक यादव ने उनकी जो प्रैक्टिस है वो नेट्स के अंदर फिलहाल चालू कर दी है। होप उम्मीद करते हैं कि जो मयंक यादव है टीम इंडिया के लिए फ्यूचर में खेले, लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी बात है मयंक यादव को फिट रहना पड़ेगा, इंजरी से दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों एट द एंड बात करते हैं न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम है भाई, हम सभी को लगा ये सबसे बेकार स्टेडियम है, यहाँ पे जो है कोई भी मैचेस रखनी नहीं चाहिए, बिकॉज जो आउटफील्ड है, जो पिच है, बिल्कुल भी सही नहीं था न्यूयॉर्क के स्टेडियम का। अब यहाँ पे से क्या होने वाला है कि ना, आने वाले 6 हफ्तों के अंदर जो है पूरा स्टेडियम को जो है तोड़ा जाएगा, इसको डिसमेंटल किया जाएगा। और जो अंबानी है ना, अंबानी इस न्यूयॉर्क के स्टेडियम को दोबारा से नया स्टेडियम बनाएंगे फ्यूचर में। यानी कि जो अंबानी है भाई, इन्होंने बस ठान लिया है कि मैं इस स्टेडियम को अच्छा स्टेडियम बना के दिखाऊंगा, तो फ्यूचर में जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम है हम सभी को बेहतर दिखाई देगा। अंबानी इसको अच्छा बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ये थी भाई सारी अपडेट्स, मैंने आप सभी के सामने रख दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।